हे फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मावा मोदक, यानी खोए वाला मोदक। तो क्योंकि जनरली ये गुड़ से बनता है, बट मैं मेवे से बना रही हूँ। तो मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैदा लिया है ये, और ये हमारा मावा यानी खोया, और ये 250 ग्राम है, और क्रम्बल करके रख लिया मैंने इसे। ये है बादाम, कुछ कटे हुए बादाम है। ये चीनी का पाउडर है, पिसी हुई चीनी, छोटी इलायची कुटी हुई, और घी हमने लिया है थोड़ा सा मोइन देने के लिए, ताकि हमारी क्रिस्पी बने। तो अभी हम रेडी करते हैं आटा, हमने तैयार कर लिया है, और इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी से अच्छे से हमें गूंथ देना है। इस तरीके से एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, और थोड़ा सा पानी मैं और लूंगी। आप सोच रहे होंगे गणेश चतुर्थी तो जा चुकी है, अब मोदक क्यों? गणेश चतुर्थी में मोदक बनाएं या दिवाली में बनाए, दिवाली में भी लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा होती है, तो आप उन्हें भी प्रसाद में चढ़ा सकते हैं, दिवाली में चढ़ाएं इस बार। तो ये हमारा आटा आप देख सकते हैं रेडी है। इसे मैं छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए, और जब तक हमारा आटा सेट होता है मैं अपना मावा तैयार करूंगी। तो कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पे हम अपना मावा डालेंगे। घी यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मावा एकदम फ्रेश है, तो घी अपने आप छोड़ेगा। ये देखिए, इसमें अब हम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। पिसी हुई चीनी क्योंकि जल्दी से मिक्स हो जाएगी इसलिए डाला है। आप चाहें तो खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, या चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके पिसी हुई चीनी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, और अब हम इसमें बादाम, छोटी इलायची का पाउडर, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है इसे, बस थोड़ा सा कि मिक्स हो जाए और कच्चापन ना रह जाए इतना। तो ये देखिए, हमारा मावा रेडी है। ये घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, सॉफ्ट हो गया है, तो फ्लेम हम अब अपना ऑफ कर देंगे, और हमारा मावा रेडी है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने को छोड़ेंगे, और ये देखिए बिल्कुल, और ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, मावा मोदक। तो अभी हमारा आटा भी सेट है, और मावा भी, फिलिंग भी हमारी रेडी है। तो सबसे पहले हम इसको लोइयां छोटी छोटी आपस में डिवाइड कर लेंगे। करीबन मेरे 5 से 6 मोदक बन के रेडी होंगे इसमें। तो मैं पहली लोई ले रही हूँ, और इसे देखा गोल किया है। अब इसको बिल्कुल जैसे पूरी बेलते हैं उसी तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, और पूरी की तरह गोल गोल बेल लेंगे बेलन की हेल्प से। और उसके बाद जैसे ये देखिए हमारी पूरी रेडी है। तो अब इस पूरी में हम अपनी फिलिंग डालेंगे, यानी मावा जो है तैयार किया हुआ, थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो उसको डाल करके एक तरफ से हम उठाएंगे, और हाथों में, हाथों की जो टिप है वहां पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे। और उसके बाद अब एक एक करके, जैसे हम साड़ी का फॉल बनाते हैं पैरेलल वे में, ऊपर आगे पीछे करते हुए, इस तरीके से पूरी लोई का जो एज है किनारा, उसको इसी तरीके से हम पैक कर लेंगे, पोटली तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, पोटली हमारी जो है वो रेडी है। अब इसका जो माउथ है पोटली का, इसे हमें क्लोज कर देना है। तो हाथों की जो टिप है उस पर मैंने बताया कि हल्का सा पानी लगा लें, और उसके बाद इसको इस तरीके से एकदम माउथ को क्लोज करते हुए थोड़ा सा मोड़ दें। इससे एकदम अच्छे से क्लोज हो जाएगी, और काफी बढ़िया शेप आया, आप देख सकते हैं। या मोदक का मोल्ड भी आता है सांचा, आप उसमें भी एकदम परफेक्ट तरीके से मावा और मोदक अपना रेडी कर सकते हैं। तो अभी हमने फ्लेम तेज आंच पे एक इडली स्टीमर लिया है, और इसमें पानी डाल दिया है, और दूसरा स्टीमर जो इडली का मोल्ड है उसे हमने घी लगा के ग्रीस किया है, और उस पे अपने मोदक हम रख देंगे। सारी जो इडली की मोल्ड है उसे बहुत अच्छे से पक जाएगा, इसलिए हमने इडली का स्टीमर लिया है, और ढक करके करीबन 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट बाद ये देखिए, आफ्टर टेस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं, और बिल्कुल हमारा मावा मोदक रेडी है, काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी पहले मैं एक फोक लेती हूँ, जो कांटे वाली चम्मच आती है, और इसको मैं अंदर डाल के देखती हूँ, अगर एकदम क्लीन बाहर निकला। ये देखिए, एकदम क्लीन बाहर निकला, मतलब हमारा मावा मोदक एकदम परफेक्टली कुक है। तो इस दिवाली आप गणपति जी को, या आने वाली गणेश चतुर्थी को, आप गणपति जी को प्रसाद की तरह मोदक चढ़ाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, और उनका आशीर्वाद पाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।